अरे दया चायला, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वाह वाह वाह, कहाँ जा रही है? किचन में। बैठ जरा। अरे मुझे किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे दो मिनट बैठना भाई। गैस पर कुकर रखा है। उसको तेरी जरूरत होगी तो सिटी मार के तुझे बुला लेगा। तू बैठ जरा दो मिनट। वो क्या है आज? अरे क्या है क्या दया, आजकल इतनी क्या बिजी हो गई है तू? क्या मेरे बाजू में 5 मिनट शांति से बैठने की फुर्सत भी नहीं है तेरे पास? ये सब कुछ नहीं है, चल ये बैठी बस। अब बोल कैसी है तू? मुझे मैं अहमदाबाद में सब कैसे हैं? अरे मस्त, हमारे अहमदाबाद में तो आजकल एक ही चीज की बोलबाला है। अच्छा कौन सी? आपको पता है कौन सी? अच्छा कौन सी? मैं बताऊंगी, आप बताइए। अहमदाबाद में एक ही चीज की बोलबाला है आजकल, दाड़ वड़ा नहीं, सेव खमणी। और ये खाने से संबंधित चीज नहीं है तो? सोचिए सोचिए, आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अहमदाबाद में ये साबरमती रिवर फ्रंट नहीं, शेयर बाजार नहीं, नहीं नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज है भाई अहमदाबाद की जिसकी आजकल बहुत बोलबाला है? सुंदर वीरा की। आपको पता है पूरे अहमदाबाद में मेरे सुंदर वीरा की बातें हो रही है। क्या बात कर रही है? ओहो, कितने लोगों का कर डाला उसने? क्या कर डाला ऐसा क्या उसने अहमदाबाद में के चारों ओर उसी की बोलबाला है आजकल? अरे आप पूछे ही मत, पूरा दिन सुंदर हीरा का मोबाइल फोन है ना, वो बजता ही रहता है बजता ही रहता है। पर माँ कहती है हीरा तो फोन उठाता ही नहीं। बराबर है, लेनदारों के फोन क्यों उठाएगा वो? अरे मेरा हीरा पूरा दिन यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ इतनी दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ करता है ना, बात ही मत पूछिए। पूरे अहमदाबाद में उधारी की हो तो भागना ही पड़ेगा ना यहाँ से वहाँ। और आपको पता है पूरा दिन मेरा वीरा हाथ में कैंची लेके ही घूमता रहता है। कैंची लेके? क्यों आजकल बाल कटने का धंधा चालू किया? अरे बाल कटने का धंधा शुरू नहीं किया है तो? बताती हूँ, अहमदाबाद में अलग अलग स्तर से आपके जैसे दुकानदार अपनी दुकान के उद्घाटन के लिए मेरे सुंदर वीरा को रिबन काटने के लिए बुलाते हैं रोज। हाँ तो रोज अहमदाबाद में इतनी दुकान का उद्घाटन होता? हाँ तो आप मेरे अहमदाबाद को क्या समझते हैं? बहुत बहुत प्रगति कर रहा है अहमदाबाद। और एक सच बात कहूँ, किसी को बताना मत, अहमदाबाद की प्रगति में मेरे सुंदर वीरा का बहुत बड़ा हाथ है। लोग कितना कितना मानते हैं मेरे सुंदर वीरा को। क्यों इतना मारते, क्यों है लोग उसे? अरे मारते नहीं, मारते हैं, मारते हैं, रोने ही न। ओ हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, मानता तो मैं भी उसको बहुत हूँ भाई। वीरा तो वीरा है, लाखों अनमोल हीरा है। अचानक हिचकी क्यों शुरू हो गई? पता नहीं। नक्की सुंदर ही आपको याद कर रहा होगा। अरे बाप रे, जब भी सुंदर ने मुझे याद किया है मेरा नुकसान ही हुआ है। अरे ये क्या, ये हिचकी इतनी जोर से क्यों आ रही है? नक्की हीरा नजदीक में ही होगा। ऐसा कहते हैं कि याद करने वाला नजदीक में होता है ना तो हिचकी की मात्रा बढ़ जाती है। अरे ओ, कुकर की सीटी बजी, तू अंदर जा, मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, क्या मतलब? मैं दुकान जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
सुंदर आए उसके पहले फटाफट दुकान भाग जाता हूँ। हाय जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। मॉर्निंग, मैं आप ही को याद कर रही थी। अच्छा आप मुझे याद कर रही थी तभी मुझे इतनी हिचकी आ रही थी। अरे देखो अभी आप मिले तो हिचकी भी बंद हो गई। वाह वाह वाह, क्या मेरे दिन की शुरुआत हुई है बबीता जी। सुबह सुबह आप मुझे याद कर रहे थे। क्या हुआ इसे? चाचा जी, अब पता नहीं अभी तो बात कर रहे थे अचानक आंखें बंद करके झूमने लगे। पप्पू जी आप? हाँ मैं। आप कभी आए? मुझे अभी यहाँ खड़े खड़े झूम रहा था तब। नहीं नहीं मैं झूम नहीं रहा था बापूजी, मैं वो अपना वो मेडिटेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? मेडिटेशन वो होता ना, वो ऐसे नहीं करता, ध्यान ध्यान। यू मीन मेडिटेशन? लेकिन तेरे हाथ तो ऐसे नहीं थे। नहीं वो तो ऐसे खड़ा था। हाँ सॉरी, वो हाथ ऐसे करना रह गया होगा। ऐसे अचानक सोसाइटी में खड़े खड़े तुझे मेडिटेशन करने की क्या सूझी? अब ये याद है बापू जी, हम सब मिलके हैं सोसाइटी में योगा कर रहे थे। ये जगह अच्छी है वो सब ध्यान योगा वो सब करने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन तुझे दुकान नहीं जाना? दुकान नहीं जा रहा था लेकिन बबीता जी का कुछ काम है मेरा तो उन्होंने रोक लिया। रुकते ही मेडिटेशन में चला गया। आपको मेरा कुछ काम है बाबूजी? नहीं तो घर जा रहे? हाँ जाना है लेकिन अभी थोड़ी देर खड़ा हूँ। बाबूजी इतनी धूप में आप यहाँ खड़े रहेंगे आपके पैर दुखेंगे। अरे मेरे पैर नहीं दुखेंगे जेठिया, इन हड्डियों में आज भी बहुत ताकत है। नहीं नहीं वो तो है बिल्कुल। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। एक सेकेंड वो। अरे हाँ हाँ एक्चुअली ये स्पीकर मेरा जो है ना ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। सर आप देखिए ना प्लीज। स्पीकर नहीं, इसको खोल के देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, इसमें वो एक आईसी आती है ना वो उठ गई होगी तो उसकी वजह से ये नहीं चल रहा होगा। आर यू श्योर आईसी का प्रॉब्लम है? नहीं मतलब आईसी नहीं, सॉरी वो मैं एक छोटा एक इसका पार्ट आता है आईसी जैसा ही, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी उसका। वो डालेंगे ना तो हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं क्या करता हूँ अभी उसको दुकान लेके जाता हूँ और भागा को बोलता हूँ कि फटाफट इसको रिपेयर कर दे और उसको भेजता हूँ आपको दे जाएगा वापस। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे इसका कितना खर्चा होगा बोलो बापू जी? मैं क्या बोलूं, मुझे क्या मालूम कितना खर्चा होगा, तू बोल। नहीं नहीं मेरा मतलब है ये क्या बोल रहे हैं बबीता जी, हैं पैसे की बात कर रहे हैं। और हम गोकुल धाम वासे एक परिवार जैसे हैं ना बापू जी। हाँ तो फिर परिवार में कोई एक दूसरे से पैसा लेता है? नहीं। तो फिर बबीता जी पैसे की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा रहने दे। नहीं नहीं चाचा जी ऐसा नहीं हो सकता है, ये पार्ट चेंज करने के लिए जेठा जी का कुछ तो खर्चा लगेगा ना। अरे कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है बबीता जी, तुम मजाक करो ना। नहीं जेठा जी फिर भी देखिए मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहले इसको रिपेयरिंग करवा लेता हूँ। ये रिपेयरिंग होके आ जाए आप वापरो, बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके चलो ठीक है, दैट्स फाइन। चलो मैं, अरे अरे थैंक यू क्या उसे। चलो बापू जी मैं जाता हूँ। जय जिनेन्द्र। हां जय जिनेन्द्र। ओके बबीता जी, ओके बाय चाचा। नटू काका इसे कहाँ रखूं? बेटा अभी वो टेबल पे रख दे, बाद में डिस्प्ले में लगा देंगे। टेबल कहाँ है? अरे तेरे सामने तो पड़ा है बेटा।
अच्छा अच्छा अरे 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 संभाल कौन बाबा मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक सेठ जी आप मैं बाबा नहीं बाघा हूँ हाँ बाघा ही है तू क्या कर रहा है भाई अब ये बॉक्स गिर जाता था सॉरी सेठ जी वो क्या है मुझे दिखा नहीं अरे भाई तो एक एक करके उठाना चाहिए ना एक साथ उठा के बाहुबली क्यों बन रहा है रुक तेरी मदद करता हूँ मैं संभाल के संभाल कर रखना सेठ हाँ अभी ये ले इसमें वो बबीता जी का स्पीकर है वो कुछ पता नहीं चल नहीं रहा है तो खोल के जरा चेक करके अभी कभी इसको रिपेयर कर दे ठीक है और फिर उनको दे के आना सॉरी सेठ जी ये काम मैं अभी के अभी नहीं कर पाऊंगा क्यों वो क्या है नट्टू काका ने मुझे अर्जेंट स्टॉक चेक करने को बोला है और जो स्टॉक कम है उसकी एक लिस्ट बना के मुझे देनी है वो काम करते करते दोपहर हो जाएगी एक काम कर तू पहले स्पीकर रिपेयर कर दे और नट्टू काका ने जो काम सौंपा है वो इसके बाद करना हाँ ले नट्टू काका सेठ जी मुझे बबीता जी का स्पीकर रिपेयर करने को बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं आपने जो मुझे काम सौंपा है वो पहले करूं या ये करूं या भाई इसमें नट्टू काका को क्या पूछ रहे है तू भागा बेटा सेठ जी इज अवर बॉस बराबर है नट्टू काका बट आई एम मैन ऑफ वर्ड्स मैंने आपको जुबान दी है कि दोपहर तक आपने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं निपटा दूंगा अरे दे दो ना भाई इसकी जुबान इसको वापस दे दो नट्टू काका हाँ हाँ बागा शिव जी का दिया हुआ काम पहले कर बाद में मेरा दिया हुआ काम करना हाँ ठीक है नट्टू काका सॉरी हाँ सेठ जी आप प्लीज बुरा मत लगाना लेकिन क्या है मेरे अपने काम करने के कुछ उसूल्स है वो बड़े सयाने कह के गए हैं अरे भाई बड़े सयानों को अभी मत जगा रात को बहुत देर से सोए उनको सोने दे हा? तो ये ले स्पीकर रिपेयर कर ले जी सेठ जी सेठ जी फाइल में से निमंत्रण पत्रिका मिली है तो काम के है या फिर जाने तू अरे बाप रे ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया क्या हुआ सेठ जी अरे वो मेरे मित्र है ना महेश भाई वकील सूरत में रहते हैं उनकी शादी के सालगिरह के अवसर पर उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है तो मुझे अभी आज क्या सूरत निकलना पड़ेगा दुकान की आप चिंता मत कीजिए सेठ जी आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए दुकान हम लोग संभालेंगे कल का हिसाब रेडी है हाँ गोडाउन में आपके टेबल पे सब रखा है अच्छा अच्छा ठीक है चलिए अरे भाई ये स्पीकर ठीक से रिपेयर करना भाई बबीता जी की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए काम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा नवरात्रि में तूने ऐसा ही बोला था लेकिन फिर हुआ था ना लोचा स्पीकर का सेठ जी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी गलती रास्ते के गड्ढों की थी वो क्या हुआ सेठ जी हाँ भाई हाँ ठीक है भाई तू ये रिपेयर कर फटाफट और देख के आ बबीता जी को ठीक है मैं गोडाउन में नोटू काका जी जी हाँ बोलिए टिपू के पापा क्या कर रही हो अरे आपको ही याद कर रही थी और आपको फाइन आ गया चल झूठी जब भी मैं तुझे पूछता हूँ क्या कर रही हो तो यही जवाब देती है आप ही को याद कर रही थी अरे सच में मैं आपको याद कर रही थी और आपको याद करके गाना गा रही ठीक है भाई यकीन हो गया तू मुझे याद कर रही थी वैसे दया मैं भी तुझे याद कर रहा था रियादो दुकान के बहुत सारे काम के बीच में आपको मेरी याद कहाँ से आएगी अभी फोन किसने किया मैंने किया तो जाहिर सी बात है मैं तुझे याद कर रहा था इसीलिए तो फोन किया और सच कहूँ तो मुझे तुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है अरे भाई याद तो उसे करते हैं ना जिसे हम भूल गए हो और मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ ओहो मेरे रोमांचिक टप्पू के पापा थैंक यू अच्छा सुन खास तो मैंने फोन तुझे इसलिए किया है कि तू मेरा और तेरा हम दोनों का सामान पैक कर हमको अभी कभी सूरत के लिए निकलना है क्यों सॉरी दया वो मैं तुझे बताना भूल गया 3-4 दिन पहले वो महेश भाई का फोन आया था उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है महेश भाई कौन अरे महेश भाई वकील रश्मि भाभी वाले महेश भाई सूरत हाँ तो ऐसा बोले ना रश्मि भाभी वाले महेश भाई
ओ हाँ भाई, रश्मि भाभी वाले महेश भाई। बस क्यों नहीं, मैं तो तैयार ही हूँ, मजा आएगा। हाँ तो तू सामान रेडी कर, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नहीं एक मिनट टप्पू के पापा, आपको टैक्सी लेकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम रास्ते में ही मिल लेते हैं ना। हाँ ये भी ठीक है। तो ठीक है, काम करना, मैं यहाँ से निकलूंगा तभी तुझे फोन करूंगा, तू तभी निकलना। ठीक है। हाँ सुन बापू जी और टप्पू को भी बता देना हम सूरत जा रहे हैं। हाँ वो तो सीधी बात है, बापू जी और टप्पू को बता ही दूंगी ना। हाँ तो निकलते वक्त फोन करता हूँ, ठीक है? और भाई जेठालाल। ओ मेहता साहब आइए आइए आइए, एक मिनट में चेयर लेके। अरे मैं ले आता हूँ। अरे नहीं ना, अरे आप के भाई, आप कहाँ? भाई क्या फर्क पड़ता है, अपनी दुकान है। भाई अरे बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ धन्यवाद। हाँ बैठिए। क्या मेहता साहब, सुबह मैंने पूछा था, बोल रहा था कि नहीं नहीं आज मैं छुट्टी नहीं लेने वाला हूँ। अरे भाई छुट्टी नहीं ली जेठालाल, बॉस आज ऑफिस से जल्दी निकल गए तो हम भी निकल गए। वाह आपने तो बागा जैसा किया। नहीं नहीं एक फर्क है दोस्त, मैं यहाँ किसी बावरी से नहीं अपने बावरे दोस्त से मिलने आया हूँ। <है कि नहीं? laughs> बोले बोले क्या मंगाऊ आपके लिए, वड़ा पाव समोसा भजिया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ पास में ही मस्त पुणेरी मिश्रण मिलता है, गर्मा गर्म वही खाते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया हूँ, दरअसल मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। मुझे थैंक यू क्यों? जेठालाल तुमने जो मेरे लिए किया कौन करता है आज के जमाने, कचरे के ट्रक के पीछे मेरे साथ भागे, इतनी भाग दौड़ की कचरे वाले को ढूंढने के लिए, फिर गिफ्ट खरीदने चले, पुलिस स्टेशन चले, जितना परेशान मैं रहा उतना ही परेशान तुम भी रहे, और सुबह जल्दबाजी में मैं तुम्हें थैंक यू कहना ही भूल गया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पर्सनली आके तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? अरे यार हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती में थैंक यू थोड़ी होता है। जिस संबंध को संभालने के लिए थैंक यू बोलना पड़े वो संबंध नहीं व्यवहार है। क्या बात है जेठालाल, इतनी बढ़िया बात कही तुमने कि भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट होनी चाहिए, क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं भाई मेहता साहब, आपकी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। वो है लेकिन गिफ्ट तो लानी पड़ेगी, क्या लेके आऊं बताओ? अरे चलो एक काम कीजिए, अगर गिफ्ट देनी है तो कोई बढ़िया सी तड़कती फड़कती दोस्ती के ऊपर कोई शायरी सुना दीजिए। मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर के बाल, मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर के बाल, काटे कटाए पीछू काटे तो ना छोड़े खाल। सॉरी मतलब? मतलब ये जेठालाल के संत कवि आनंद जी कहते हैं कि मित्र ऐसे होने चाहिए जैसे सर के बाल, जमाने की मुसीबतों के कैची कितनी आपको क्यों ना काटते रहे, बाहर से आपको कितनी तकलीफें क्यों ना पहुंचे, लेकिन जिस तरह सिर के बाल खाल नहीं छोड़ते, त्वचा नहीं छोड़ते, वैसे ही मित्र ऐसा होना चाहिए जो कभी साथ न छोड़े, जैसे कि हम तुम और मैं। ओ हो हो वाह वाह मेहता साहब, दोस्ती पे क्या शायरी सुनाई आपने। वाह इस शायरी के लिए आपको भी एक गिफ्ट दी जाएगी, सूरत से मैं खास आपके लिए स्पेशल गाड़ी लेके आऊंगा। सूरत से कौन जा रहा है सूरत? मैं और दया। कब? अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा क्यों? वो मेरे एक मित्र है महेश भाई वकील, उनकी शादी की सालगिरह है तो उसके अवसर पे उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो खास आमंत्रण दिया कि भाई आना ही पड़ेगा। हाँ फिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो मेहता साहब आप और अंजलि भाभी जरा बापू जी और टप्पू का ध्यान रखना। जेठालाल ये भी कोई कहने की बात है, तुम निश्चिंत होकर जाओ आराम से आओ। एक मिनट। हाँ बोलिए मैडम, क्या काम था? मैं आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ, पाव भाजी बनाओ कि पास्ता बनाओ, इडली सांबर मेंदू वड़ा? मैं आज आपके लिए आलू पराठा और दाल मखनी बनाती हूँ, ये बेस्ट रहेगा ना? अच्छा भाई तुमने कहा बेस्ट तो बेस्ट। ठीक है तो आज आप जल्दी घर आ जाइएगा, आपका बेसब्री से इंतजार किया जाएगा जनाब। ओके 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 बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, अंजलि का फोन था, यही सारे सवाल, कब तक आओगे, खाने में क्या बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। ओ हो हो मेहता साहब क्या बात है, इन बीवियों का भी ना जेठा, ज्यादा प्यार करो तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, जैसे हमारी मैडम की बढ़ गई है, और कम प्यार करो तो कंप्लेन। कुछ भी कहो मेहता साहब, बीवी है तो हम है, बाकी सब पानी कम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलो भाई आप जाइए सूरत, कल से इस गिफ्ट की भागा दौड़ी में बहुत टाइम खराब हो गया है, बहुत काम पेंडिंग है भाई, बहुत कुछ लिखना है, एक आर्टिकल तो बहुत अर्जेंट है, घर जाते ही लिखने बैठूंगा। ओके ओके मेहता साहब। ठीक है तो तुम आराम से सूरत जाओ, फिर मिलते हैं आराम से। ओके ओके थैंक यू वंस अगेन। अरे तो मित्रों मैं निकल पड़ा हूँ घर की ओर इस इरादा के साथ कि आज शांति से बैठ के लिखूंगा, आराम से बैठ कर लिखूंगा, लेकिन वो इरादा ही क्या जो पूरे हो जाए, वो जिंदगी ही क्या जो पहेलियां ना बुझाए, और जिंदगी गोकुल धाम निवासियों को कुछ बड़ा ही जबरदस्त दिखाने वाली है, यहाँ कुछ धुआंधार जबरदस्त घटने वाला है, खतरनाक आश्चर्यजनक घटना घटने वाली है गोकुलधाम में। भाई जेठालाल रुदाया भाभी तो सूरत गए, क्या घटेगा यार, क्या होगा बता दू। चलिए तो होने यू वाला है मित्र।
ऐसे नहीं, ये इतनी जबरदस्त घटना है कि इसका मजा तो देखने पर ही आएगा। तो क्या घटने वाला है जो ना आपने देखा होगा न सुना होगा, ऐसा कुछ जबरदस्त। हंसते हंसते आप बेहाल हो जाएंगे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। जल्दी लिखना बंद कीजिए। अरे भाई मुझे आर्टिकल पूरा करना है, अभी नहीं बंद कर सकता। तारक मैंने कहा ना बंद कीजिए लिखना प्लीज। अच्छा कर लिया बंद, बोलो। अब आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो मतलब? तारक कहा ना बंद कीजिए ना। ठीक है आंखें बंद कर लिया, अब बस आंखों को बंद ही रखना ठीक है। जब मैं बोलूं तब आप अपनी आंखें खोलना। अरे जब आंखें खोलनी है तो फिर बंद क्यों करवाई भाई? तारक सरप्राइज, और जो कहा वैसा कीजिए ना प्लीज। अब आप अपनी बंद आंखों को खोल सकते हैं। टिंग। अरे वाह क्या बात है भाई, ये मेरे लिए? नहीं तारक ये मेरे लिए, आपके लिए है। पता है सब कहते हैं कि आप टी शर्ट में ज्यादा हैंडसम लगते हैं। हाँ भाई टी शर्ट पहन के हैंडसम तो लगता हूँ मैं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस बड़ी कमाल की है। लेकिन सिर्फ मेरे लिए टी शर्ट लाई अंजलि, तुम्हारे खुद के लिए कुछ नहीं लाई तुम? लेना पड़ा, एक्चुअली मैं मेरे लिए कुछ लेने नहीं वाली थी तारक, पर मुझे ये टी-शर्ट इतनी पसंद आ गई कि मुझे मेरे लिए ड्रेस लेनी पड़ी। समझा नहीं मैं, टी-शर्ट पसंद आई उसका ड्रेस लेने से क्या संबंध है? सीधा संबंध है तारक, ड्रेस पे टी-शर्ट फ्री था और मुझे टी-शर्ट इतना पसंद आया ना कि मुझे वो ड्रेस लेनी पड़ी। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी खुद के लिए ड्रेस चाहिए थी, उसमें बेचारा गरीब टी-शर्ट तो बस आ गया। अरे भाई औरतों का भी कमाल है, चीज खुद के लिए चाहिए होती है और नाम पति का। धन्य है भैया आपको। अरे इसमें क्या धन्य है? अरे फोन। हाँ फिर बोलो। अरे मेहता साहब कहाँ है आप? आपका सब वेट कर रहे हैं सोडा शॉप पे। एक काम करो सोडा बनवाओ, पहुँचता हूँ। आता हूँ। क्या आता हूँ? दोस्तों का फोन आया तो बीवी और बीवी की दी हुई गिफ्ट दोनों को भूल गए। नहीं मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, जाइए। कमाल करती हूँ अंजलि यार, इसमें रूठने वाली क्या बात है अंजलि? पूरे दिन के काम के बाद दोस्तों के पास थोड़ी देर के लिए शाम को जाता हूँ, उसमें रूठ गई तुम। मैं तो सोचती हूँ कि आप रोज शाम को दोस्तों के साथ जाके करते क्या है? क्या करेंगे हम वहाँ जाके अंजलि, थोड़ा किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सोडा पीते हैं, लौट आते हैं, और क्या। और तुम रूठ गई, मान जाओ ना भाई प्लीज। मान जाओ ना। अरे आ जाओ, पोपटलाल भी अभी तक आया नहीं है, उसको भी फोन लगा। हेलो। हाँ हेलो पोपटलाल, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। कैसे? अरे भाई तुमने पोपटलाल को फोन किया तो पोपटलाल ही बोलेगा ना। बोल बोल। कुछ नहीं, हम सब सोडा शॉप पे बैठे हैं तो तुम्हें याद कर रहे थे, तुमने बोला कि पोपटलाल को फोन करो इसलिए मैंने फोन किया। अरे हाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया है, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। आ जाओ। ओके क्या पप्पू ने? वो रास्ते में ही अभी आ रहा है। सॉरी भाई। अरे वाह। थैंक यू अंकल। अब्दुल का चड्डा। क्या भाई दोस्तों? अरे आइए मेहता साहब आइए। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? अरे वाह। अरे वाह तैयारी था। अंजलि कभी साथ में नहीं आती है। अरे मैदा था, मेरे कहने का मतलब है आपके परम मित्र जेठालाल किधर है? अरे भाई जेठालाल और दया भाभी कहीं मुंबई से बाहर गए, आ जाएंगे एक आते। वैसे मेहता साहब आने में देर क्यों हो गई? अरे भाई क्या बताऊं, अंजलि मेरे लिए नया टी शर्ट लेके आई। क्या बात है। थैंक यू। तो अंजलि नया टी शर्ट दिखा रही थी, प्यार जता रही थी। अब आप सोचो पत्नी रोमांटिक मूड में हो, प्यार जता रहे, ऐसे में दोस्तों का फोन आ जाए बुलावे के लिए तो क्या होगा? टूट गई अंजलि। अब टूट गई तो मनाना तो पड़ेगा ना भाई, तो मनाने में वक्त लग गया। वाह मेहता साहब, अंजलि भाभी प्यार जता रही थी, बहुत लकी है आप। लकी तो आप भी आती भाई, कोमल भाभी कितना प्यार करती है आपसे। और ये सबसे ज्यादा तो ये रोशन सिंह थोड़ी लकी है, और इसकी रोशन डालिंग लाखों निजी करोड़ों में एक है। प्यार के मामले में तो हम सब लोग बहुत लकी है। हम सबका भाई, हम सबसे बहुत प्यार करता है। यार तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सबकी पत्नियां हम सबसे प्यार प्यार और प्यार ही करती है। हाँ किसी के लिए रूठना प्यार है, किसी के लिए गुस्सा होना प्यार है, किसी के लिए मनाना प्यार है, किसी के लिए थोड़ा सा तुनकना प्यार है, किसी के लिए इतरना प्यार है। वाह 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 मेहता साहब की क्या तुसी, पर आपके लिए क्या प्यार है होते दसो। हाँ बताइए बताइए मेहता साहब बताइए। अरे बताइए मेहता साहब शर्मा क्यों रहे हैं? अरे हाथी भाई प्यार की बात करने में क्या शर्माना, प्यार क्या होता है? प्यार वो प्यार ही क्या जिसमें गुस्ताखियां ना हो, वो प्यार ही क्या जिसमें गलतियां ना हो,
वो प्यारी का जिसमें शरारतें ना हो, वो प्यारी का जिसमें शोखियां ना हो, वो प्यारी क्या जिसमें मस्तियां ना हो, वो प्यारी क्या जिसमें चुगलियां ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें प्यार ना हो, और वो प्यार ही क्या जिसमें तुम ना हो, और वो तुम ही क्या जिसमें हम ना हो। ओ यारो, वो प्यार की बात चल रही है तो मेरे लिए क्या प्यार है वो मैं बता। अरे बताओ बताओ। हाँ, तो पंजाब के खेतों में लहराती सरसों है प्यार, और लोहड़ी के ऊपर बसते हुए ढोल पे पाते हुए पंगड़ा है प्यार, ओए जिसे देख के दिल पल्ले 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 करे वो है प्यार, मुझे जिसको हंसते हुए देखते ही चेहरे पे हंसी आ जाए वो है प्यार, जिसको रोते हुए देख के इन आंखों में आंसू आ जाए वो है प्यार, और जिसके चेहरे को देख के रब की याद आ जाए यारो वो है प्यार, वो है प्यार, वो है प्यार। इस रोशन सिंह सोडी के लिए इसकी रोशन कौर सोडी, और जी वो ही है प्यार है। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम भी बता दो तुम्हारे लिए प्यार की क्या परिभाषा है। हाँ भिड़े, तुम्हारे लिए क्या है प्यार, जरा प्रकट करो सुविचार। मेरे लिए जो दो और दो चार नहीं 22 बनाए वो प्यार, हमारे जमाने की तरह आंखों ही आंखों में हो जाए वो प्यार है, जो घर को बजट में चलाए वो प्यार है, बिना मांगे ही हाथ में चाय आ जाए वो प्यार है, हाय हाय हाय, और बुढ़ापे में भी हंसते हंसते जिसके साथ जिंदगी कट जाए वो प्यार है। बात खूब। अरे क्या बात है भाई, आज तो प्यार का रंग सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो हाथी भाई, इस प्यार के रंग से आप भी अछूते कैसे रह सकते हैं, आप बताइए आपके लिए क्या है प्यार। हाँ डॉक्टर हाथी, केसर जैसी खुशबू बिखेर दे वो है प्यार, केसर जैसी खुशबू बिखेर दे वो है प्यार, जलेबी जैसा घुमा दे वो है प्यार, जलेबी रसमलाई जैसा मुलायम हो वो है प्यार, समोसे जैसा मसालेदार हो वो है प्यार, और बिन खाए ही पेट भर जाए वो है प्यार। क्या बात है डॉक्टर साहब, सुनकर मजा आ गया। ओ, 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 मतलब हाथी भाई आपका तो 56 भोग प्यार है। हाथी भाई, आपने जो प्यार की परिभाषा दी उसके लिए यूं कहना चाहूंगा कि प्यार के रंग में रंग गया आज हमारा वेन्यू है। आपका प्यार है या किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है? ओ मेरे चेन्नई के शेर, ओ पपिता जी के हस्बैंड, आपके लिए क्या प्यार है वो भी बताइए। हाँ जी, बताता हूँ बताता हूँ। मेरे लिए प्यार साइंस की हर एक खोज के जैसा है, बिना फ्यूल के रॉकेट उड़ जाए वो मेरे लिए प्यार, गर्मी में बर्फ का बारिश हो जाए वो मेरे लिए प्यार, कटनी मेरे लिए प्यार आप सब लोगों के जैसा ही है। साइंटिस्ट होगी इतने रोमांटिक, क्या बात है। हम सबके प्यार के लिए जरा जोरदार तालियां। अरे भाई आजकल प्रेस में बहुत काम रहता है, इस चक्कर में लेट हो जाता है। नहीं अब्दुल सोडा रहने दो भाई, अभी मेरा खाना बाकी है। अरे भाई वो सब छोड़िए, ये बताइए कि मैं जब आया तब आप किस बात पे ताली बजा रहे थे? प्यार की बात पे। मतलब? और भाई पोपट लाल, हम सब लोग प्यार के बारे में अपना अपना नजरिया बता रहे थे। अरे वाह, अब तुम आ गए तो तुम भी बताओ तुम्हारे लिए क्या है प्यार। मैं बताओ भी बताओ पप्पू। बताता हूँ बताता, भाई मेरे लिए प्यार वो है कि जो रोज सपनों में आती है लेकिन मिलती नहीं, सालों से जिसका इंतजार है लेकिन कभी आती नहीं है, जिसकी दिल से चाहत है लेकिन वो कभी दिखती नहीं है। अरे भाई जो आपके पास है, इनके पास है, आप सबके पास है, मुझे बस उसी की तलाश है, मेरे लिए तो यही है प्यार। जरूर मिलेगी भाई, जरूर मिलेगी। ओ यारो, आज सबने दिल खोल के प्यार के ऊपर बोला, ओए मजा आ गया यारो इसी बात पे, हम सब के लिए थ्री चीयर्स। हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। चलो भाई मैं अब निकलता हूँ, अंजलि फिर रूट गई तो मनाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने बोला था अभी आता हूँ और लेट हो गया तो रूट ही जाएगी। मुझे तो अभी खाना बनाना है, खाना है, बर्तन धोने हैं, बहुत दिनों के कपड़े रखे वो भी धोने भाई। मैं कहा तुम लोग के साथ बैठ गया। चलो चलो।
वाह बड़े अच्छे मूड में यार। अरे बिल्कुल, आज गोकुल नामे पूरा दिन शांति थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो मूड एकदम अच्छा है। इनफैक्ट माधवी, आज मेरा मूड बहुत ही रोमांटिक है। ओहो छान छान। अरे छान छान बोल के कहां जा रही हो? इस गाने से तो हमारा रोमांस चालू हुआ था। यस माधवी, मुझे अभी भी ठीक से याद है, हमारी नई नई सगाई हुई थी और इसी गाने पे हमने वैलेंटाइन डे पे डांस किया था। हाँ, और इस गाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। यस, और फिर दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता गया और फिर सगाई के बाद हम लोग रोज मिलने लगे। हाँ। तुम्हें याद है माधवी, मैं तुम्हें रोज शाम को नरीमन पॉइंट डबल डेकर बस पे घुमाने लेके जाता था और आप पटापट भाग के आगे की सीट पकड़ते थे, याद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम लोग चौपाटी जाते थे चाट खाने के लिए। हाँ, और आप रोज मेरे लिए गजरा लेके आते थे। बिल्कुल याद है मुझे, आज भी वो गजरे वाली याद है। मैं यहाँ गजरे की बात कर रही हूँ और आप गजरे वाली को याद कर रहे हैं? नहीं, नहीं, याद नहीं किया उसको, वो तो याद आ गया मुझे। अरे उस वक्त मेरे 5 रुपए नहीं दिए थे उसने। 5 रुपए? माधवी उस जमाने में 5 रुपए, अरे पूरे एक हफ्ते की सब्जी आती थी। मेरा पूरा बजट हिला दिया था उसने। झाला संपला रोमांस। का बजट आ गया ना रोमांस में? नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो याद है इसलिए मैंने बोला। लेकिन फिर भी माधवी, वो दिन भी क्या दिन थे। नहीं वैसे माधवी, उन यादों को ताजा करने के लिए उसी गाने पे वैसा ही डांस करे अभी। अब कहाँ वो स्टेप्स याद रहेंगे? अरे तुम शुरू तो करो, याद आ जाएंगे। हां मैं ऋषि, नीतू रोमांस मध्ये पण विनोद। सॉरी सॉरी, वो तो मैं बोल रहा था कि मैं ऋषि कपूर, तुम नीतू सिंह। चलो शुरू कर दे, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हां खरच। वैसे एक बात है माधवी, हमारे गोकुल धाम में सभी पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते, सबका जीवन एकदम सुखी है। बस पोपट भौजी की शादी हो जाए ना तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं अरे माधवी, पोपटलाल की शादी का विषय मत निकालो, वो तो नेवर एंडिंग है। अभी तुमने विषय निकाला है ना तो उसका भी हिचकी आई होगी वहाँ पे। भाई बहुत मजा आ रहा है ना स्वर्ग में बैठे बैठे अपने भक्त की हालत देख के। इतने सालों से अकेले ऐसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल डाल के धो रहा। धोते जाओ धोते जाओ, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। आपको कभी ऐसे दया नहीं आती कि पोपटलाल का कुछ करना चाहिए, अब उसके लिए कोई जीवन साथी ऐसे भेज देना चाहिए? क्या हंस क्या रहे स्वर्ग में बैठे बैठे? कितने सालों से खुद ही खाना पकाता हूँ, खुद ही खाता हूँ और खुद ही बर्तन धोता हूँ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा भाई? ये वरिष्ठ युवा पत्रकार घर के काम सारे अकेले कब तक करता रहेगा? वैसे घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई हाथ बटाने वाला चाहिए ना। सोसाइटी में अब मैं अकेला कुंवारा बचा हूँ। जाके देखो सोसाइटी में सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ कैसे मजे से जी रहे हैं, और यहाँ पर गोल्डन क्रो अवार्ड विनर बर्तन धो रहे हैं। अब तो रूठ गए, मैंने पत्नी क्या मांगी आपने पानी बंद कर दिया, कैसे चला गया? मीन तो चालू है। अरे भाई बर्तन कैसे धुलेंगे, मैंने कपड़े धोने डाले वॉशिंग मशीन में। ये अचानक पानी को क्या हो गया, चला क्यों गया? अरे बाप रे, कब बर्तन धुलेंगे, कब कपड़े धुलेंगे और कब सोऊंगा, सुबह जल्दी जाना है, क्या करूं? भैया भाई को जाके पूछता हूँ उनके घर पे पानी आ रहा है कि नहीं। चलो तुम्हारा जैस्मिन फ्लेवर ग्रीन टी। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। चाय कई बार हमें समझ में नहीं आए पर हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कहते हैं ना म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। करेक्ट है, करेक्ट है बबी। तब म्यूजिक का पावर ही ऐसा होता है कि किसी भी आदमी का मूड चेंज कर देता है और लाइफ के सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बबी। तब मेरा भी एक फेवरेट गाना है। यार भाई आपके घर पे पानी आ रहा है? आ रहा है। मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे घर का नल खराब हो गया होगा। पर भी मैंने किचन में बाथरूम में हर जगह चेक किया, कहीं नहीं आ रहा है। अगर तुमको पीने का पानी चाहिए तो मेरा घर से लेकर जाओ। अरे भाई मेरे एक हफ्ते के कपड़े धोने बाकी है, बर्तन बाकी है, वो सब इधर लेकर आऊं? आप लोग चेक कीजिए, आपके घर पे भी पक्का नहीं आ रहा होगा। हाँ मैं अभी जाके चेक करके आती हूँ। हाँ चेक कर। अरे ये तो सच में पानी नहीं आ रहा है।
पवड़ा इतना टेंशन क्यों लेते हो, पानी थोड़ी देर में आ जाएगा। बात वो नहीं है यार भाई, क्या हमारी सोसाइटी में 24 घंटे पानी आता है तो आना चाहिए ना। हर महीने मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देते हैं, पर अगर पानी जाने वाला है तो भीड़े को पहले से बताना चाहिए था, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे मैंने चेक किया, हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। देखा देखिए, आपके घर पे भी पानी नहीं आ रहा, मेरे घर पे भी नहीं आ रहा, मतलब सोसाइटी में किसी के घर पे पानी नहीं आ रहा हूँ। ये सारे प्रॉब्लम की जड़ भीड़ है। वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जाके उसे पकड़ता हूँ। मित्रों, सामान्य व्यक्ति की दो आंखें होती है, लेकिन पोपटलाल के तो चार आंखें हैं, तो खुद की दो चश्मे की, लेकिन आज पांचवी आंख खुल गई है क्रोध के मारे। और क्रोध इसलिए कि घर में पानी नहीं आ रहा, और पानी की जिम्मेदारी तो एक में सेक्रेटरी भिड़े की है। तो अब पोपटलाल ने ठान लिया है कि इस वजह से वो आज वो भिड़े को सबक सिखाएंगे। अब भिड़े और पोपटलाल की नाम की ये दो तलवारें जब टकराएगी तो कितना हंगामा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे ही नहीं आपके दिमाग में भी उमड़ घुमड़ रहे होंगे। क्या पानी सिर्फ पोपटलाल के घर में नहीं आ रहा है, पूरी सोसाइटी में नहीं आ रहा है? पानी टंकी में चढ़ाना भिड़े भूल गया है, बिल नहीं भरा है, क्या होगा, इसका कारण क्या है, पानी क्यों नहीं आ रहा? आप भी सोचिए सोचिए, कोई हेल्पलाइन इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूंगा, कारण ऐसा होगा जो आप सोच नहीं सकते। तो क्या होगा पानी ना आने का कारण, हंसी के हंगामों के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। हेलो हेलो बच्चों, हेलो, चलो चलो। अरे सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो भिड़े सुनो, बेटा पापा घर पे नहीं है। आई पापा दोनों घर पे ही हैं। तो बाहर क्यों नहीं आ रहा भिड़े? ओ भिड़े, उसकी गलती है इसीलिए बाहर नहीं आ रहा। पोपटलाल, आत्माराम किधर है? अभी तक आया नहीं। अरे नहीं भाई, पता नहीं कहाँ खो गया, कब से चिल्ला रहा हूँ लेकिन बाहर ही नहीं आ रहा। मार कोगी। अरे सॉरी पोपड़ सॉरी पोपड़ अंकल। क्या सॉरी बच्चों, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर इतना प्रॉब्लम है और तुम लोग बार बार मुझे मार रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्या है पोपड़ अंकल? वो तुम छोड़ो, तुम लोग थोड़ा दूर जाके खेलो भाई। आत्माराम तो करम भिड़े, लग गई नजर। मेरी नजर लग गई? आज का दिन इतना अच्छा गया था, पता नहीं अभी कैसे रात गुजरने वाली है। तो यहाँ का भिड़े अंकल नीचे आएंगे, फुल टाइम पास होगा। टाइम पास? अभी बाबा और पोपट अंकल के बीच क्या होने वाला है ये सोच के मुझे टेंशन हो रहा है, और तुझे टाइम पास सूझ रहा है? अरे वो तो ऐसी मस्ती कर रहा है। सॉरी बोली यार। क्या हुआ पोपटलाल, मेरा नाम लेके चिल्ला क्यों रहे हो? कमाल, तुझे पता ही नहीं क्या हुआ है? क्या हुआ बोलो, तुझे सच में नहीं पता मैं क्यों चिल्ला रहा? अरे भाई सच में नहीं पता क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, बात क्या है? ठीक है तू एक काम कर, तू पहले नीचे आ, तुझे सब पता चल जाएगा। अरे लेकिन बता तो सही नीचे क्यों हूं मैं, बात क्या है? पोपट भौजी क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बता दो माधवी भाभी, भाई तू भिड़े नीचे आ रहा है कि नहीं? नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे कि बात क्या है मैं नीचे नहीं आऊंगा। ठीक है बस, सोनी रोशन भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, ओ माता साहब, अंजी भाभी, चंपा चाचा जी, आइए 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 सब लोग बाहर आइए। पप्पू वो ऐना चिल्ला क्यों रहे हैं यार? भाई क्या बात है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? बताता हूँ सब बताता हूँ, पहले सबको आ जाने दो। अरे क्या हुआ बता ना भाई, सब लोग हाथ हो गए, क्या हुआ क्यों चिल्ला रहा है? बताता हूँ तो भाई, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त सोसाइटी में किसी के भी घर पे पानी नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या पानी नहीं आ रहा है? हाँ करेक्ट है आत्माराम, हमारे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है। मैं तुझे ऊंचा सुनाई देता, कान में थोड़ा तेल डाल, मैं इस वक्त किसी के भी घर पर पानी नहीं आ रहा है। जाइए आप लोग जाके अपने अपने घरों पे चेक कीजिए। हाँ हाँ चेक करती हूँ। अबे रोज पानी नहीं आ रहा है? नहीं अहो ज्यादा माधवी बोल रहा है। घर में पानी नहीं आ रहा है? ओ पिड़ो, ओ सच में पानी नहीं आ रहा है?
अरे भिड़े मास्टर, सच में पानी नहीं आ रहा भाई। क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने घर पे काम कर रहा था तो पता चला कि पानी चला गया, वरना सुबह तक पता ही नहीं चलता। आधी रात को किसी को पानी की जरूरत पड़ जाए तो। अरे ए बिल्ली मास्टर, ये डिब्बा सच बोल रहा है, मेरे घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। ये पानी क्यों नहीं आ रहा है भाई? हाँ चाचा जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लो भिड़ो, हम सब वही पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कड़त नहीं है ना, अरे ही पड़ कुटा हेली कड़त नहीं। अरे ए माधवी, कहाँ जा रहे हैं? हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। हाँ पोपट भाऊ जी सही कह रहे हैं। सुना माधवी भाभी क्या कह रही है, तेरे घर में भी पानी नहीं आ रहा है? हाँ भाई सुना। अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है भाई, क्या हो गया? सिर्फ आपके घर पे नहीं मेहता साहब, किसी के भी घर पे पानी नहीं आ रहा है। क्या हो गया भाई, पानी क्यों चला गया भिड़े? मुझे नहीं पता मेहता साहब, सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे पता होना चाहिए। अरे ले, वो बराबर है पोपट ला, लेकिन मुझे भी तो अभी पता चला ना माधुरी ने बताने के बाद। हाँ पोपट भाऊ जी बराबर है आंसर। कमाल, यहाँ सोसाइटी में पानी चला गया और सेक्रेटरी को कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई पानी के बिना इंसान कैसे जिएगा? पर क्या फायदा तेरा सेक्रेटरी होने का है? कुछ काम का नहीं है तू। कमाल है, इसमें सेक्रेटरी की क्या गलती है भाई? तुम क्या चाहते हो, सेक्रेटरी ऐसे 24 घंटे के सामने बैठा रहे कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है देखने के लिए? हाँ बोलो, गलती खुद की और मुझे सुना रहा है ये? बो भाई भिड़ा, तू एक काम कर, नीचे आके मेरे सामने आके बात कर। सामने मतलब? मैं क्या तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ? सामने तो खड़ा हूँ मैं। सामने से मेरा मतलब है नीचे आके हाई लेवल पे बात कर भाई, ऐसे बात कर करके मेरी गर्दन अकड़ गई है और पानी भी नहीं आ रहा सोसाइटी में कि घर पे जाके गर्म पानी का सेक करूं। आप सब भी नीचे आइए प्लीज भाई, आइए आइए आइए। ये लड़ाई करना जरूरी है क्या? लगता है गोकुलदा मैच धमाल होने वाली है। धमाल नहीं, ये पानी के इशू को लेके हंगामा होने वाला है। वही मतलब आज सोसाइटी में सब लोग पानी की होली खेलने वाले हैं। क्या बोल रहा है यार तू गोगी, पानी नहीं है सोसाइटी में तो पानी की होली कैसे खेलेंगे? ना ए भाई गोगी, तू दो मिनट शांत हो जा। सॉरी सॉरी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोसाइटी में पानी गया कैसे? अभी बात करो। हाँ लेकिन शांति से बात करना। शांति शांति भाई, एकदम शांति से पूछ रहा हूँ तुझे कि सोसाइटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? पोपटलाल थोड़ी ज्यादा शांति होगी, थोड़ी कम शांति से बात करो। आती भाई किसको बोल रहे हैं आप शांति से बात करने के लिए? देखो भाई पोपटलाल, मुझे नहीं पता पानी क्यों नहीं। अरे भाई पता नहीं है तो पता कर के पानी क्यों चला गया है? पोपटलाल एक मिनट, आत्माराम तुमने पानी का बिल तो भरा था ना? यार मैं टाइम टू टाइम बिल भरता हूँ भाई। तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है भाई? मुझे नहीं पता मेहता साहब। अभी भी यही बोल रहा है मुझे नहीं पता। अरे तो नहीं पता तो नहीं पता ही बोलूंगा ना भाई। अरे क्या कब से नहीं पता है, नहीं पता है कि माला जप रहा है भाई? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, अगर पानी चला गया तो पता करके क्यों चला गया? या मेरे कपड़े धोने बाकी है, बर्तन धोने बाकी है, तुम सब तो शादीशुदा हो, मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है। मारू पर किचन में आखो काम बाकी थे। अदवरा मेरे को भी नहाने जाना था, बिना नहाए मेरे को नींद नहीं आता है। अरे अय्यर तुम्हें क्या, सभी को नहाने की आदत होती है भाई, और नहीं नहाओ तो कम से कम हाथ पैर तो धो लो, उतना भी पानी नहीं है। अरे ये सब तो ठीक है, मेरा तो प्रॉब्लम हो गया ना। अरे पानी नहीं आ रहा उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे टप्पू मुझे आधी रात को भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, पानी नहीं होगा तो मम्मी खाना कैसे बनाएगी? सही बात है, हम लोग को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मरे कोमल भाभी, आप अर्धी रात को खाना बनाती हो? Yeah, sometimes when baby is hungry. बापरे, मम्मी डोंट वरी, अभी हम लोग होटल से पिज्जा बर्गर मंगा लेते हैं। नो बेबी, ये पिज्जा बर्गर जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मेरा भी पापड़ का आटा गूंदा रह गया है, पानी नहीं है तो सब काम अटक जाता है ना। अटक जाता नहीं है माधवी भाभी, मेरे घर का तो सारा काम अटक गया है। मैंने एक हफ्ते के कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, सारे बर्तन बाकी है और पानी चला गया, अब उन सबको कैसे धो? मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा है, सोच रहा था थोड़ी देर गर्म पानी में पैर डुबा के बैठूं, लेकिन अब क्या करूं?
चाचा जी मैं आपको दवाई दे देता हूँ। अरे दवाई की बात नहीं आती साहब, वो मेरी रोज की आदत है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा, बोलो यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया पानी का और भाई साहब फोन पे लगे। फोन पे नहीं लगाऊ मैं पोपटलाल, मैं अब्दुल को फोन कर रहा हूँ उसी सिलसिले में। बेड़े भाई दुकान तो बंद हो गई है, कुछ अर्जेंट में कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, अभी बताओ तुम क्या कर रहे हो? घर पे हो, गाना सुन रहा हूँ। अरे गाना बाद में सुनना, पहले यहाँ पे सोसाइटी में आ जा भाई। क्यों? अरे सोसाइटी में पानी चला गया है। लेकिन भिड़े भाई मैंने पानी तो चढ़ा दिया था। अब्दुल तुम्हें जितने भी सवाल पूछना है यहाँ पे आके पूछना, पहले तुम सोसाइटी में आओ। हेलो हेलो, अभी अब्दुल आ रहे हैं, पता चल जाएगा। ओ पिड़ो, ओ मैंने एक गाल दास, अब्दुल के आने से क्या हो जाएगा? अब्दुल के आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिड़ो, इधर पानी की प्रॉब्लम चल रही है और तेरे को दूध की पड़ी हुई है। थोड़ी उसके आने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देख भाई पिड़ो, एक बात कान खोल के सुन ले, आज अगर तेरी लापरवाही की वजह से पानी गया होगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो भाई हो लापरवाही मतलब क्या? मैंने क्या लापरवाही की है? अरे आप ही बताता हूँ तेरी लापरवाही क्या है। सोसाइटी में सारे पानी के पाइप ठीक है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी तेरी है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई कचरा नहीं फंसा ये देखने की जिम्मेदारी तेरी है। टाइम टू टाइम प्लम्बर को बुला के पाइप का मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी तेरी है। हाँ तो ये सब मैं करता ही हूँ भाई, तो लापरवाही कहाँ से आ गई इसमें? वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम है भाई, मैं हर महीने टाइम टू टाइम तुझे मेंटेनेंस का चेक देता हूँ। मुझे नहीं, वो मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं आता, सोसाइटी को देते हो तुम। अरे हाँ हाँ भाई सोसाइटी को देता हूँ, तो मेरे घर में 24 घंटे पानी आना चाहिए, अगर पानी नहीं आएगा तो सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुझे ही पकड़ूंगा। अरे मुझे ही पकड़ने का मतलब क्या बोलते है? कहा सोसाइटी को मैं पानी नहीं देता भाई, मेरे घर में तालाब नहीं खोदा यहाँ पे। समझदारी रखो ना यार, पानी की लड़ाई को पानीपत की लड़ाई क्या बना रहे हो भाई? ये देखिए ना, तो बातचीत करो ना यार, झगड़ा क्या कर रहे हो? तो बातचीत ही कर रहा हूँ भाई। अरे अभी अब्दुल आ रहा है ना, पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आई होप कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो पता नहीं पानी कब आएगा। सही बात है, कब आएगा मतलब अगर कल पानी नहीं आया तो? अरे तो कल का लंच। अगर भाई पानी नहीं आया तो मेरे अचार पापड़ कब बनेंगे, मेरे बर्तन कब धुलेंगे और हमको नहाने को कब मिलेगा? अरे तुम सब क्या फिर वही बात लेके बैठ गए, पहले अब्दुल को आ तो जाने दो, पहले पता तो चले पानी गया क्यों है, इसके बाद पता चल जाएगा कि पानी कब और कैसे आएगा ना। अरे सोनू तू घर जा बेटा, उशीर जा रहा है, जा घर जा। बाबा मुझे भी यहीं रहना है। सोनू सोनू बड़ा घर जा। हां ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट सोनू। पापा मुझे भी घर जाना पड़ेगा। क्यों हो गया पुत्र? प्रेशर आया है। मम्मी घर पे पानी तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, बाथरूम में एक बाल्टी पड़ा है। अब वो भी खाली हो जाएगा। अरे अरे पिंकू कल दे दूंगा। बोले टप्पू पिंकू तुम लोग क्यों खड़े हो, तुम लोग भी जाओ। नहीं नहीं वीडियो अंकल, हमें प्रेशर नहीं आ रहा है। आ गाओ, जाओ घर जाओ चलो। नहीं नहीं मेरे अंकल, हम भी यहीं रुकते हैं। अरे अभी नाइट में तो ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में नहाने का क्या करेंगे? अरे हम खाने का क्या करेंगे? यार सुबह के नहाने की चिंता नहीं है, अगर सुबह भी पानी नहीं आया तो हम टैंकर मंगा लेंगे भाई। हाँ। बराबर है भाई, टैंकर मंगा लेंगे, लेकिन उसके पैसे सिर्फ भीड़ देगा। अरे पर मीका क्या हुआ, टंकी का पानी कैसे चला गया? बोलो हमारे सेक्रेटरी जिसके आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले थे, उसको ही नहीं पता है क्या हुआ है। अब्दुल तुम्हें पक्का आज तुमने टंकी में पानी चढ़ाया था? भिड़े भाई रोज की तरह आज भी मैंने वक्त पे पानी चढ़ा दिया था। अच्छा पानी चढ़ाया था आज आपने, टोपन पानी क्यों नहीं आया? हो सकता है कि आजकल पानी कम आ रहा हो। पानी एकदम फोर्स में आ रहा है और पानी का सप्लाई भी एकदम बराबर है। वो क्या प्रॉब्लम झाला है?
पानी की कोई कमी नहीं है, समय सर पानी चढ़ाया भी है, तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? इसका जवाब तो हमारे बेजवाबदार सेक्रेटरी साहब ही दे सकते हैं। बेजवाबदार पोपटलाल, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे भाई तू अपना मान रहे वैसा कुछ काम कर तो मैं तेरा अपमान नहीं करूंगा। इससे तो बात करना ही बेकार है। अरे भाई बात करना ही बेकार है, जो भी है बात करनी पड़ेगी। मैं सोसाइटी का माननीय सदस्य हूँ, उससे बात करनी पड़ेगी। अरे इधर आके जवाब दे। अरे जवाब दे इधर आके। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें, किस बात का जवाब चाहिए बोलो। यहाँ पानी की इतनी बड़ी रामायण हो गई है और भाई साहब पूछ रहे किस बात का जवाब। भाई हम सब ने इसको सेक्रेटरी बनाकर ही गलती करी है। तो सुधार दो ना अपनी गलती, निकाल दो मुझे सेक्रेटरी पद से। अरे तुम क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूँ सेक्रेटरी पद से। तो अरे तुम भी समझदारी रखो ना भाई, क्या दिल पे बात ले रहे हो। इस्तीफा दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, हटा दो मुझे। अरे भाई पोपटलाल ने जो कुछ भी बोला है गुस्से में बोला है। हाँ बराबर है भाई, मैंने गुस्से में ही बोला है। देखा खुद बोल रहा है, गुस्से में बोला है उसने। लेकिन मैंने जो बोला है वो सच बोला है मेहता साहब। देखो देखो ये सेक्रेटरी बनने के लायक ही नहीं है। अरे क्या तो कहता हूँ, इसका सेक्रेटरी पद कैंसिल कर दो। अरे बोला ना, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ भाई, मैं नहीं बोला। झगड़ना बंद करो, पानी का क्या करना है वो सोचो। हाँ चाचा जी, अगर अब्दुल ने पानी चढ़ाया है और पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ है टंकी खाली हो गई है। लेकिन ऐसे कैसे टंकी खाली हो गया? अरे वही तो पता करना है ना यार, लेकिन ये पोपटलाल का बोलना बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ भाई, सब तू ही बोल, बोल जो बोलना है बोल। चुप रहो ना भाई। पानी बंद होने का कारण ये भी तो हो सकता है ना कि किसी के घर का नल चालू रह गया हो और पूरी टंकी खाली हो गई हो। अहो, लेकिन अपने घर के सब नल बंद है। मेरे घर पे भी सारे नल बंद है। हमारा घेरना भी बड़ा नल बंद है। हाँ हमारा भी। हाँ हमारे घर पे भी सारे नल बंद है। हाँ हमारे यहाँ सारे समझदार लोग रहते हैं भिड़े। गोकुलधाम सोसाइटी में लापरवाह कौन है ऐसे नल खुला छोड़ देगा। ऐसे लापरवाह लोग अगर होते तो रोज टंकी खाली हो जाती। आप सोचो क्या हुआ है भाई, अब्दुल ने पानी चढ़ाया, अब्दुल कह रहा है पानी चढ़ाया है और कोई प्रॉब्लम है नहीं, पानी फोर्स से आ रहा है, उसके बाद भी अगर पानी बंद है इसका मतलब टंकी में कोई खराबी है, हमें टंकी को चेक करना चाहिए। हाँ बराबर। हाँ बराबर मेहता साहब, ऊपर जाके चेक करते, अगर टंकी में पानी है तो आ क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल। और सब लोग टेरेस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पानी की टंकी चेक करते हैं। सबको चलने की क्या जरूरत है, पोपटलाल की शादी थोड़ी है ऊपर। भिड़े नहीं नहीं भिड़े की बात सही है पोपटलाल। मेहता साहब आप भी। अरे भाई मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि सबको जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ जेंट्स चलते हैं ना। हाँ सब जेंट्स को भी जाने की क्या जरूरत है, अकेला भिड़े जाके देख के आएगा। और नहीं नहीं पप्पू, हम सब जेंट चलते हैं और अब्दुल तू भी चल। हाँ। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचूंगा तब तक तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके नीचे आ चुके होंगे। नहीं नहीं आते भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मत चलिए, हम लोग जाते हैं, हम चेक करके आते हैं। ठीक है चाचा जी। मैं क्या कहता हूँ, अभी आप इस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, तो आप यही रहिए। ये थक जाएंगे भाई, तुम लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त हूँ मैं। बोल चल ऊपर से गणेश लगा लिए हैं, चल देखते हैं ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचता है। चला जा, एक दो तीन चल। अरे 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 चाचा जी, चाचा जी रुके। अरे चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। पानी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, भाग दौड़ हो गई है भाई। पानी ना आएगा तो ऐसा होगा क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त पानी नहीं आ रहा है, आपकी सोसाइटी में भी ऐसा होता होगा और तमाम लोग ये देखने के लिए गए हैं टेरेस पे कि आखिर पानी की टंकी से पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है बताइए बताइए। मैंने आपसे पूछा था कि सोचिए आप कि क्या कारण हो सकता है, मिला कोई कारण? नहीं मिला, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए क्योंकि कारण जो भी होगा आपके घरों में हंसी लेके आएगा। और हाँ मित्रों एक विशेष बात, आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम पुरस्कृत करते हैं स्वच्छता सेनानियों को, तो इस बार का पुरस्कार दिया जा रहा है सर्व विद्यालय केलवणी मंडल कड़ी को। बहुत बहुत बधाई कड़ी सर्व विद्यालय के इन छात्रों को जिन्होंने 45 डिग्री तापमान में भी स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई और कड़ी के मोहल्लों को गलियों को साफ किया। आपसे भी अनुरोध है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, देश को
स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अर्थात स्वस्थ भारत। समर वेकेशन के दौरान संस्था के बच्चों ने स्वच्छता अभियान करके कड़ी में स्वच्छता की लहर शुरू की। यह प्रेरणा हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली थी। इस प्रकार के अवार्ड से स्वच्छता अभियान में बल बढ़ेगा। उज्जवल वातावरण का सपना स्वच्छ भारत हो अपना। हमारी ओर से ढेर सारी बधाई। और यहाँ गोकुलदास सोसाइटी में इस वक्त सवाल ये है कि आखिर पानी की टंकी से पानी क्यों नहीं आ रहा है, कारण क्या है, क्या चीज है वहाँ पे? सोचिए, एक दिन का वक्त है, कल तक का वक्त है, सोच लीजिए, फिर मिलके देखेंगे और हंसेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।